सो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में मिस्टर कोडर रोहित में। हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बूट प्रोसेस लिनक्स के अंदर क्या होती है। देखिए, बूट प्रोसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पीसी स्टार्ट करते हैं, हम सीपीयू के अंदर आखिरकार होता क्या है कि जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं और हमारे यहाँ डेस्कटॉप चालू हो जाता है, उसके बीच में जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम बूट प्रोसेस। ठीक है, तो आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि बूट प्रोसेस के एक्चुअल में आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है, डेस्कटॉप खुल जाता है और आप काम करने लगते हैं, तो इसके बीच में जो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो द बूट प्रोसेस, देखिए दोस्तों बूट प्रोसेस क्या होती है। द लिनक्स बूट प्रोसेस इज द प्रोसीजर ऑफ इंस्टॉलिंग द सिस्टम। यानी कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम को शो करने के बाद जो डेस्कटॉप तक आने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं बूट प्रोसेस। यानी आपने पावर बटन दबाया और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, इसके बीच में जो प्रोसेस लगती है उसे बोलते हैं बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस का साइड में मैंने यहाँ पर आपको एक पिक भी देकर रखी है। यहाँ पर देखिए, पावर ऑन जैसे ही करते हैं उसके बाद आपका जो बायोस चालू होता है और ये सब प्रोसेस होने के बाद फाइनल में आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो होता है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी प्रोसेसेस को जानेंगे डिटेल से कि एक्चुअल में सीपीयू के अंदर होता क्या क्या है। उन सभी प्रोसेस को डिटेल से जानेंगे और उनकी डिटेल से हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम बूट प्रोसेस का पहला स्टेप जो है बायोस। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है बायोस द फर्स्ट स्टेप। तो मैंने आपको बता दिया, पहले जैसे ही हमने पावर ऑन करी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए पावर ऑन जैसे ही हम करते हैं, इसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बायोस होता है दोस्तों, आपकी एक चिप होती है सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर, जिसे बोलते हैं रोम। रोम के अंदर जो बायोस होता है वो इंस्टॉल्ड रहता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही मान लीजिए। तो ये बायोस सिस्टम है जो हमारी रोम की चिप में इंस्टॉल होता है, जिसका जो मेन काम है कि बेसिक इनपुट आउटपुट। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या करता है कि जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, अब आउटपुट इनपुट डिवाइस ये तो आपको पता ही होगा, इस उसके बारे में डिस्कस करने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो भी एक सीरीज से सीपीयू से आपकी कनेक्टेड है, तो बेस बायोस आपका क्या करता है, सबसे पहले डिटेल्स देखता है कि कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है और कौन कौन सी नहीं है, ये सब देख लेता है। इसके बाद एक जो प्रोसेस आती है पोस्ट, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम मतलब बायोस के अंदर इस जो प्रोसेस, टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन सभी को देखता है कि क्या मुझसे कनेक्टेड है क्या नहीं है, यानी कि खुद का टेस्ट कर रहा है वो, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पोस्ट। बायोस जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया है कि रोम के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करके भी रखता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो चीज आती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब देखिए, जैसे ही हमने पावर ऑन किया तो फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप आती है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड प्रोसेस पे आती है वो होती है एमबीआर। अब एमबीआर क्या चीज होती है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो एमबीआर पार्टीशन क्या होता है, हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है जिसमें हार्ड डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कहां पर क्या चीज रखी है, तो वही होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे कौन से सेक्टर में या कौन से ब्लॉक्स में कहां पर क्या डाटा रखा है, तो ये होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसको सब कुछ पता होता है कि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी चीज कहां पर रखी होती है। ये मास्टर बूट रिकॉर्ड हमारी हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है, आपको इतनी बात समझने आनी चाहिए, ठीक है। अब बूट लोडर, मैंने आपको बताया था कि ये बूट लोडर को लोड करता है। बूट लोडर क्या है, ग्रब ये फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने के लिए, ये क्या करती है, पाथ बता देती है। ये जो ग्रब फाइल होती है, बूट लोडर लोड होता है जैसे ही आपका एमबीआर में, तो ये क्या करता है, आपको बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हार्ड डिस्क के अंदर कहां पर रखा है। तो ये ग्रब फाइल बता देती है, यहां पर इसमें पाथ सेव हो जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिससे कि ये बता देती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर रखा है। तो अब आपका सीपीयू क्या करता है, उस ग्रब फाइल के थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाता है।
तो एमबीआर का मैं शॉर्ट आपको एग्जांपल दे दूं, तो इस स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर पार्टीशन, हाउ लुक लाइक योर पार्टीशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। वेयर इज बूट लोडर, कि बूट लोडर आपका कहाँ है, वेयर इज बूट लोडर आपको ये बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ पर है। याद रखिएगा दोस्तों, नोट देकर मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपकी जो एमबीआर पार्टीशन है अगर वो करप्ट हो जाता है तो आपका जो भी डाटा है वो लॉस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉस्ट हो जाएगा और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चालू होगा। इसलिए हार्ड डिस्क का एमबीआर पार्टीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको सारी नॉलेज होती है कि उसके हार्ड डिस्क में कहाँ पर क्या डाटा रखा है। इसका जो टोटल साइज होता है 512 बाइट्स का होता है, एमबीआर का मास्टर बूट रिकॉर्ड का टोटल जस्ट साइज 512 बाइट्स, यानी कि 1 MB भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी ये सब चीज़ थी एमबीआर के बारे में। पार्टीशनिंग आपने देखी होगी, सी ड्राइव ही होता है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरीके से हम पार्टीशन करते हैं, तो ये आपको इतना चीज़ आना चाहिए। अब आते हैं बूट लोडर। बूट लोडर अभी मैंने आपको डिस्कस किया था पीछे, कि जैसे ही हम मास्टर बूट रिकॉर्ड में बूट लोडर नाम का एक फाइल होता है जो लोड होता है। अब जो बूट लोडर फाइल क्या होती है, ये कन्फ्यूजन आ रही होगी आपको, तो देखिए दोस्तों, बूट लोडर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ लेता है, आपने जैसे बूट लोडर एक फाइल होगी ग्रफ फाइल, जैसे कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रफ फाइल का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ लिया है, आप क्या करेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी इंपोर्टेंट फाइल है वो रैम में भले लोड करेगा, जैसे ड्राइवर से रिलेटेड फाइल है या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सिस्टम टाइप से रिलेटेड फाइल है, वो सभी इंपोर्टेंट नेसेसरी फाइल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी उसने रैम के अंदर लोड करनी है। रैम का मतलब आपको पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे। इट्स लोड ऑल नेसेसरी ड्राइवर इन रैम, यानी कि जितने भी इंपोर्टेंट ड्राइवर है वो रैम के अंदर लोड कर लेता है। इन एटीएल ये जो है आपकी ये फाइल होती है, लोड नेसेसरी फाइल इन रैम, ये क्या करता है, हेल्प करता है जो नेसेसरी फाइलें होती हैं उनको रैम में लोड करने के लिए। तो ये है हमारा बूट लोडर। तो हमारी ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गई बूट लोडर की। अब हमने बात करी थी पीछे, इसके पहले हमने बात की थी इन एटीएल, ठीक है, ये लोड नेसेसरी फाइल, तो इसका मतलब क्या है, इसको इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इन एटीएल रैम डिस्क या इट इन इट रैम फाइल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में ही बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने इमेज भी देकर रखे हैं ताकि आपको थोड़ा समझने आए। यहाँ पर जो फाइल सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ बाइनरी फाइल्स होती हैं। प्रोग्राम्स यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो यह बताता है कि कौन कौन से प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं और कहाँ पर वो रखी हों, तो उससे रिलेटेड फाइलें जो है इन इट फॉर्म्स, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, सीपीयू को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बूट प्रोसेस के अंदर यही सारी प्रोसेस होती है, इतनी जल्दी ये सारी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन मेरे को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इट रैम एफ एस जो है माउंट प्रॉपर रूट फाइल सिस्टम, यानी कि आपका जो प्रॉपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रूट फाइल सिस्टम क्या होते हैं, इसको जानने के लिए आपको वेट करना होगा, आगे की वीडियोस हम देखेंगे उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फाइल सिस्टम लोड करता है, कर्नल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और डिवाइसेस लोकेट करता है, कौन कौन से डिवाइस अटैच हैं आपके सीपीयू से, और ड्राइवर देखता है, ड्राइवर्स को लोड करता है, अगर कोई एरर आता है तो वो आपको एरर शो करता है, नहीं तो यहाँ पर सीधा कंटिन्यू कर देते हैं हम। ठीक है, तो initl एक बाइनरी फाइल होती है जो सिस्टम में फाइल सिस्टम को लोड कर लेती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपको, ये क्या होती है, एक बाइनरी फाइल होती है जो कि सिस्टम में फाइल सिस्टम को क्या कर लेती है, लोड कर लेती है, सिस्टम में डिवाइस या ड्राइवर को सपोर्ट प्रदान करती है। ठीक है, सीधा सिंपल सा बात है कि initl क्या होता है, एक बाइनरी फाइल होती है, सिस्टम में फाइल सिस्टम को लोड करती है और सिस्टम के डिवाइस या ड्राइवर को सपोर्ट प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट मोड लॉगिन डिस्प्ले। अब क्या होता है, इतनी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आखिरकार वो चरण आ जाता है जहां पर हमको अपना यूजर नेम डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। तो यहां पर टेक्स्ट मोड आता है, किसी किसी में अगर मान लीजिए आप सर्वर चला रहे हैं तो वहां पर भी टेक्स्ट मोड आता है, वहां पर सीधा सिंपल आपको, लेकिन पूछेगा जरूर आपका, बिगर यूजर नेम पासवर्ड के आपको एंटर नहीं करने देगा। तो ये टेक्स्ट मोड क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड और टेक्स्ट मोड दोनों होते हैं। टेक्स्ट मोड के अंदर जहां पर हमको यूजर नेम और अपने आईडी पासवर्ड डालकर कमांड सेल के थ्रू आगे जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है, यह सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता है। ठीक है,
तो ये क्या पूछता है, सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है कि भाई आपका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सब आपको फिल करना पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका जब आप लॉगिन कर लेते हो तो दोस्तों नेक्स्ट जो आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप इस चीज़ का आराम से यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने मेन डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हैं, आपको जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर दिखते हैं, साइड में एप्लीकेशन बार दिखता है, टास्क बार दिखता है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही हैं, जहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर अपने मन चाहा काम आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर ऑन से लेकर आप लास्ट प्रोसेस तक पहुँचते हैं, ठीक है। बाकी प्रक्रिया शुरू होती है आप पीसी, अब यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर कि लास्ट में यहाँ आपको डेस्कटॉप शो होता है, यानी कि यहाँ पर डेस्कटॉप शो हो जाएगा। बाकी प्रक्रियाएं यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को सर्विसेज स्टार्ट करना है तो ये पीसी खुद अपने आप सर्विसेज स्टार्ट कर लेता है। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप पीसी का कंप्लीट स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से कंप्लीट स्टार्ट आपका पीसी हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बात की पावर ऑन, पावर ऑन करने के बाद बायोस जान लिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कि कंप्यूटर जो भी पोस्ट के थ्रू अपना सेल्फ टेस्ट करता है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो जाँच लेता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड, हमने द हार्ड डिस्क का पहला जो सेक्टर होता है उसे मास्टर बूट रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा स्टोर होता है, ग्रब फाइल स्टोर होती है, बूट लोडर स्टोर होता है। जो बूट लोडर हम एक फाइल होती है जो बताती है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है, तो इसलिए MBR के पास जाता है बायोस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ पता चल जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में यहां पर लगा है, तो बूट लोडर ग्रब फाइल को लोड करता है। इसके बाद कर्नल के बारे में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, डिटेल से कर्नल बताऊंगा, इतना आपको बता देता हूं कि कर्नल जो होता है दोस्तों, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन बनाकर रखता है, ठीक है, ताकि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। सीधे सिंपल सी बात है, यानी आप हार्डवेयर से कनेक्ट करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को मदद करता है, और डिटेल से हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो रैम इनिटियल रैम डिस्क जो होता है इसके बारे में हमने जान लिया, ये फाइल होती है जो कि इंपोर्टेंट ड्राइवर स्टोर करती है आपके रैम के अंदर, और पेरेंट प्रोसेस जो भी प्रोसेस होती है आपने देख लिया, कमांड सेल में लॉगिन वाला अपना विंडो आ जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चालू हो जाता है। इस तरीके से आपकी एक बूट प्रोसेस कंप्लीट होती है और आप अपना पावर ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप तक का सफ़र पूरा करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बूट प्रोसेस समझने आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो लिनक्स का कोर्स है काफ़ी लेंथी चलने वाला, पूरा कोर्स मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, ठीक है, फोड़ दीजिए बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए दोस्तों। तो एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कोर्स में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।